हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथी और दोस्तों, आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड क्लास टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है हैरप्पन सिविलाइजेशन। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ या दुनिया का कहीं का भी एग्ज़ाम हो, हर जगह यहां से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि भैया हैरप्पन कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जामिनर का बिल्कुल फेवरेट पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, लेकिन गारंटी है आपके दो नंबर पक्के हो जाएंगे। गौरव तिलथी का वादा है। तो बिल्कुल ध्यान से देख लो, फोकस होके देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है। ये देखो, बड़ा करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ट्रिक टू रिमेंबर्स द मेटल विच वर नोन टू द हैरप्पन। दोस्तों, जो अपने हैरप्पन कल्चर के टाइम पे है ना, हैरप्पन कल्चर के टाइम पे कौन कौन से मेटल को लोग यूज़ करते थे, कौन कौन से मेटल को लोग पहचानते थे उस टाइम पे, कौन कौन से मार्केट में चलते थे। तो दोस्तों क्या चलता था, गोल्ड चलता था, सिल्वर चलता था, कॉपर भी चलता था, लेड और टिन, इतने आइटम तो चलते ही चलते थे। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, ध्यान से देखो। इसकी ट्रिक बनाई है सोचता सिटी। तीन चार बार बोलो सोचता सीटी, सोचता सीटी, ऐसा ट्रिक बना लो। एक छोटा बच्चा है जो हर वक्त जैसे सीटी होता है ना, सीटी बजाते हैं, सीटी है ना, सीटी बजाते हैं वो, तो सीटी बजाने के बारे में सोचता होगा कि मैं सीटी में खरीद के लाऊंगा दुकान से 10 रुपया की, फिर बजाऊंगा। तो एक छोटा बच्चा है, वो सोचता है सीटी, सोचता सीटी, सोचता सीटी, सोचता, बस आपने धूम मचा दी। सोच सा क्या हो गया दोस्तों, सोना। चा से हो गया दोस्तों चांदी, है ना, और ता से हो गया दोस्तों अपना तांबा, और सी से सीसा से हो गया लेड, और आखिरी के टी से हो गया दोस्तों टिन। आप इतना याद रख लेना, गारंटी है कल के दिन क्वेश्चन आएगा तो आप धूम मचा दोगे। क्योंकि क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनर क्वेश्चन लिख के देगा कि इनमें से कौन सा मेटल या कौन सा आइटम नहीं पाया जाता था। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर तीनों लिख के दे देगा, और चौथे ऑप्शन में लिख देगा दोस्तों आयरन, आयरन भी लिख के दे देगा। तो आप साफ साफ बोल दोगे भैया उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, हैरप्पन कल्चर के टाइम पे आयरन को कोई नहीं पहचानता था, तो आप ऐसे करके उसको क्रॉस कर दोगे। तो ऐसा क्वेश्चन, और ये 5 करोड़ का क्वेश्चन दोस्तों, वो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि क्या आयरन को उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हैरप्पन कल्चर में, मोहनजोदड़ो में आयरन को लोग पहचानते थे। तो आप कह दोगे नहीं भैया, आयरन के बारे में कुछ नहीं जानते थे, आयरन दिखता ही नहीं था, था ही नहीं वहाँ। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन आता है, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे दोस्तों हॉर्स को यूज़ करते थे, घोड़ा था क्या? तो आप बोल दोगे घोड़ा भी नहीं था दोस्तों। अब अगर आप सोच रहे होगे भाई साहब इतनी खतरनाक इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलेंगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप सिंसियर बंदे हैं तो एक बार जाकर जरूर देखना, 2x की स्पीड में आपको पता चल जाएगा कि घोड़ा, हाथी, कौन कौन आइटम था, कौन नहीं था, सब पता चलेगा। कल के दिन क्वेश्चन ऐसा आएगा। ओके दोस्तों, तो बस यही बताना था, बहुत सिंपल चीज़ थी। अपना सोना था, चांदी, कॉपर, लेड और टिन, ये तो हवा में वैसे ही याद हो जाएंगे, इतने आइटम थे। बाकी आइटम आयरन तो बिल्कुल नहीं था भाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे 5 करोड़ रुपए का, क्या उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, एक और चीज़ बता दूं मैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा का पूरा नाम है, उसी के अंदर टाइम पे पाकिस्तान वेस्ट पंजाब में हड़प्पा पाया गया था, पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदड़ो नाम की साइट पाई गई थी, यहाँ हड़प्पा मतलब ये वाली एक साइट पाई गई थी, इसको हड़प्पा नाम दे दिया, यहाँ पाकिस्तान के अंदर साइट पाई गई तो उसको मोहनजोदड़ो नाम दे दिया, इसलिए उनको ऐसा बोलते हैं। ओवरऑल क्या है, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है कि उस टाइम पे काऊ पाई जाती थी, क्या काऊ, काऊ को पहचानते थे क्या? तो भैया काऊ को भी नहीं पहचानते थे, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें पूछते हैं कि भैया उस टाइम पे गेहूं उगाते थे, चावल उगाते थे, है ना, बार्ले उगाते थे, सब कुछ उगाते थे, क्या उस टाइम पे गन्ना उगाते थे, शुगर केन? तो आप बोल देगा नहीं भैया, गन्ना वन्ना बिल्कुल नहीं उगाते थे। तो ऐसे मतलब एलिमिनेट ऐसे करना पड़ता है, और ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती, तब पता चलता है क्या कहानी है। एक और वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन आता है आपकी हेल्प करने के लिए, उस टाइम पे पशुपतिनाथ की सील थी दोस्तों, तो सील में कौन कौन से जानवर बने हुए थे? कल के दिन क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया जो अपने शिव भगवान है, शिव के ऊपर नाम, शिव के नाम पे पशुपतिनाथ की सील बनी थी, तो उस टाइम पे 2 हिरण थे, हाथी था, और अपना टाइगर था, पता नहीं कौन कौन थे। तो वो सब कुछ पता होना चाहिए आपको, क्योंकि कल के दिन वो क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या भैया उस टाइम पे हिरण थी, उसकी सील में हिरण बनी हुई थी? तो आप बोलोगे हाँ भैया बनी हुई थी। उन्होंने बोला हाथी बना हुआ था, हाँ भैया बना हुआ था। उन्होंने बोला कुत्ता था, नहीं कुत्ता वुत्ता नहीं था। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ईमानदारी से इसी को पढ़ना बोलते हैं। तो बस दोस्तों यही पढ़ाना था, एक बार फिर से देख लो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड और टिन ये आइटम थे, बाकी आइटम नहीं थे। ओके, तो बस यही पढ़ाना था, थैंक यू सो मच गाइस। सारी कहानी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, गौरव तिलथिया सर कैसा पढ़ाया आपने, मज़ा आया कि नहीं, सब्सक्राइब अभी कर लो। आई प्रॉमिस यू दोस्तों, आपको कभी निराश नहीं करूंगा, अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा ताकि आपकी हेल्प हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब फटाफट कर लो, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। और प्यार मोहब्बत जिसको करते हैं उसको शेयर भी कर दें, ताकि उसका भी दिल खुश हो जाए, उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाए। ओके, थैंक यू।